कोरोना वायरस पर एक कार्यशाला का आयोजन वृंदावन शोध संस्थान में किया गया, जिसमें जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने नगर के विभिन्न होटल, गेस्ट हाउस और आश्रम संचालकों को जरूरी एहतियात बरतने और बचाव सहित इसे फैलने से रोकने में सहयोग करने की अपील की। साथ ही एक डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई कि किस तरह से कोरोना वायरस एक दूसरे से संपर्क में आकर इंसानों में फैल रहा है और इससे बचाव के क्या उपाय हैं। वृंदावन शोध संस्थान में आयोजित कार्यशाला में सिटी मजिस्ट्रेट मनोज कुमार, ACMO डॉक्टर दिलीप गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी चंदन पांडे, जिला संक्रमण अधिकारी हिमांशु मिश्रा, WHO से डॉक्टर संजीव कुमार के अलावा डॉक्टर संदीप, डॉक्टर राजीव गुप्ता सहित विभिन्न प्रशासनिक और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने कोरोना वायरस पर आयोजित कार्यशाला में आए विभिन्न गेस्ट हाउस, आश्रम संचालकों को कोरोना वायरस से घबराने की बजाय इससे बचाव और जागरूक होने की जानकारी दी। 150 से अधिक देशों में आतंक का पर्याय बन चुके कोरोना वायरस से बचाव के लिए जिला संक्रमण अधिकारी डॉक्टर हिमांशु ने लोगों को संबोधित करते हुए बताया कि सबसे पहले सभी गेस्ट हाउस, आश्रमों में वॉश बेसिन लगाए जाएं और सभी आने वाले श्रद्धालु और पर्यटकों को हाथ साफ रखने के लिए उन्हें प्रेरित किया जाए। इसके अलावा बाहर से आने वाले यात्रियों के साथ विदेशियों की सूचना भी स्वास्थ्य विभाग को दी जाए। इधर डॉक्टर संदीप ने हाथ साफ करने की विधि बताई कि किस तरह से करीब 40 सेकंड तक साबुन से अच्छी तरह से दिन में कम 5 बार हाथ धोना चाहिए और खांसते या छींकते वक्त मास्क या रूमाल का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इसके अलावा भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में जाने से भी परहेज करना चाहिए। अंत में प्रशासनिक अधिकारियों ने होटल संचालकों को एक वीडियो के माध्यम से दिखाया कि आखिर कोरोना वायरस एक दूसरे के संपर्क में आने से किस तरह से फैलता है और ये संक्रमण एक व्यक्ति से लगातार कितने लोगों में संपर्क में आने से विकराल रूप ले लेता है। इस कार्यशाला के बारे में सिटी मजिस्ट्रेट मनोज कुमार ने बताया कि इससे घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि जागरूक होकर जरूरी एहतियात बरतने की जरूरत है। सर, कोरोना को लेकर अवेयर आप लोग कर रहे हैं, क्या क्या मैसेज देंगे जिससे लोग इसे करते हैं? देखिए, कोरोना वायरस एक महामारी का रूप ले चुका है पूरे विश्व में। 140 से अधिक देशों में इसका फैलाव हो चुका है। हमारे भारत में भी आज की डेट में लगभग 112-13 मरीज डिटेक्ट हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में कुल अब तक 12 प्रभावित लोग डिटेक्ट हुए हैं, जिसमें चूँकि पड़ोस का जिला आगरा है, आगरा में सर्वाधिक 7 केसेस हैं, 2 लखनऊ, 2 गाज़ियाबाद और 1 नोएडा में है। चूँकि कोरोना वायरस नया वायरस है, अभी इसकी कोई मेडिसिन नहीं है, इस वायरस से कैसे बचाव किया जाए, इसके लिए हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं। जहाँ भी भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, जैसे रेलवे स्टेशन है, बस स्टेशन है, सभी हमारे धार्मिक स्थल हैं, होटल्स हैं, आश्रम हैं, इसके क्रम में हम लोगों ने कल मथुरा में CMO ऑफिस में ही एक कार्यशाला आयोजित की थी, जिसमें मथुरा शहर के होटल व्यवसायी, धार्मिक संस्थानों के लोग को बुला करके और हम लोगों ने इसके मॉपिंग, विशेषकर साफ़ सफाई का तात्पर्य केवल फर्श के सफाई से नहीं है, जो भी हमारे टच में आ सकता है, जैसे टेबल है, हैंडल है, स्विच है, इन पर भी साफ़ सफाई के संबंध में लोगों को हम लोग उसमें टीच कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं। चूँकि इसका सबसे महत्वपूर्ण पहलू है कि हम इससे बचाव कैसे करेंगे, हम कौन से मेथड अपनाएंगे जिससे हम इसे बच सकते हैं। अभी तक हमारे जनपद में एक सस्पेक्टेड केस था, जिसका सैंपल भेजा गया था और वो निगेटिव रहा। बाकी कोरोना वायरस से अफेक्टेड यदि कोई मिलता है तो उसको कैसे हम अलग रखेंगे और उसमें क्या हम व्यवस्था रखेंगे, वो सब प्रशासनिक तौर पर, मेडिकल के तौर पर वो सारी व्यवस्थाएं की जा चुकी हैं। हम बचाव के लिए लोगों को टीच कर रहे हैं और इस क्रम में आगे हम लोगों का ये कार्यक्रम चलता रहेगा और हम मथुरा के लिए, गोवर्धन के लिए और वृंदावन के लिए हम
कुछ टीमें बना रहे हैं जो इन संस्थानों में जा करके मॉपिंग के संबंध में कार्रवाई कराएंगे लोगों से। सर, लोग पैनिक ना हो इसके लिए आप क्या अपील करें? देखिए, इसमें पैनिक नहीं होना है। ये वायरस किसी व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को संक्रमित किया जा सकता है, कर सकता है। ऐसा नहीं है कि वो हवा में फैलता है। जो संक्रमित व्यक्ति है उसके बलगम से या उसके थूक से या उसके द्वारा छींक आने से जो भी टच में आता है उसके, उससे ये फैलता है। हम लोगों से अपील करते हैं कि लोग अपने आसपास साफ सफाई रखें, और चूंकि फ्लू, कोई भी फ्लू, चूंकि इस समय मौसम, अरे रखो उसे, चूंकि मौसम सर्द गर्म का है तो सामान्य फ्लू हो सकता है किसी को भी। हर सामान्य फ्लू, हर प्रकार का फ्लू कोरोना नहीं है। लोग इसी बात से डरे हुए हैं कि साहब खांसी आ गई या बलगम आ गया तो मान लेते हैं कि कोरोना, वो कोरोना नहीं है। आप उसकी सामान्य मेडिसिन लीजिए, डॉक्टर से संपर्क करके, वो कोरोना नहीं है। उससे घबराने की जरूरत नहीं है कि लोग घबराने लगते हैं कि साहब हमको तो कोरोना हो गया। वो आराम से किसी डॉक्टर से जा करके इलाज कराएं और दवा ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। कोरोना अभी हमारे शहर में नहीं है। ये लोगों से अपील है कि इसको पैनिक ना करें और बहुत शालीनता के साथ, खासकर जो सोशल मीडिया में चीज़ें आ रही हैं उसको पहले एग्जामिन करें, लोगों से पूछें, डॉक्टर से संपर्क करें। हम लोगों से संपर्क कर सकते हैं, प्रशासनिक उससे कर सकते हैं, हमारे CMO के यहाँ कर सकते हैं। और उसके बाद सामान्य फ्लू का इलाज कराएं। क्या है, क्या समझ में आया और क्या उसका? कोरोना के बारे में बचाव के लिए बहुत सारी चीज़ें बताई, उसमें जो मेन चीज़ है वो सिर्फ साफ सफाई बताइए। इसकी कोई इलाज या कोई दवा नहीं करनी है अब तक, और साफ सफाई ही इसका उपचार है। आप साफ सफाई अच्छे तरीके से करिए, अपने स्टाफ को, अपने लोगों को, अपने घर में, परिवार में सबको बताइए। और बताया कि कहीं से भी कोई फॉरन से या आसपास से बाहर से जो लोग आते हैं उनकी सूचना देने के लिए? बाहरी लोग आते हैं, अगर ऐसा आपको कुछ लगता है, उनको खांसी, जुकाम, बुखार या नहीं भी लगता है, अगर बाहर कंट्री से आते हैं तो उसकी सूचना हेल्पलाइन नंबर और वेबसाइट और मेल आईडी दिया है कि उसकी सूचना उनको समय पर दी जाए। हम लोगों की तरफ से ये सारी चीज़ें उन्होंने बताया है और सारी प्रैक्टिकल करके दिखाया भी है कि हम लोगों को कैसे करना है।